आज मैं आपके साथ एग पोटैटो रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है इसका, और ये बनाना बहुत आसान है। तो देखते ही मुंह में आ रहा है ना पानी, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये देखने कितने बढ़िया लग रहे हैं, तो चलिए आज हम इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान है। नमस्ते दोस्तों, मैं कविता, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ये मजेदार रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 6 उबले हुए आलू लिए हैं और इनको हम इस तरह से मोटे वाले ग्रेटर की तरफ से इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन ये एक सार ही हमारे आलू रहे इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, तो बिल्कुल मोटे और कहीं से पतले होने की संभावना नहीं रहती है। अब इसमें 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 यहाँ पे हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें हम आमचूर पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें डाल रही हूँ मैं चाट मसाला, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो बस अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डाल देंगे और ये लीजिए, अब इनको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हम हाथों की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, जिससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। तो बस सारे मसालों को हमें आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बेसन का घोल तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पे बेसन लिया है, इसको अच्छे से हम छान लेंगे और 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। तो जिसका घोल है बहुत ही ज़्यादा तीखा चटपटा बनने वाला है। थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया भी डाल लेंगे और बस अब हम इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और बस इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से मिल चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम घोल को तैयार करेंगे। तो पानी को एक बार ना डाल के आप इसको थोड़ा थोड़ा डालिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही ये घोल हमारा तैयार होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। तो ये देखिए इसमें हम थोड़ा सा और डाल रहे हैं पानी, ताकि जो हमारा घोल है बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो हमारा जो घोल है वो कैसा होना चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ना ज़्यादा टाइट करना है। तो ये देखिए इस तरीके से घोल तैयार होना चाहिए। इसमें अब 1 चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और बस इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये बढ़िया से हमारा मिक्सचर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए अंडे लिए हैं, इनको अच्छे से हम छील लेंगे और अब हम एक नाइफ़ के द्वारा इनको हाफ ऑफ करके काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये बहुत ही बढ़िया से हमारे अंडे उबल चुके हैं और इसको छील के हम बस आधा इस तरह से हम काट लेंगे। आप चाहें तो पूरे अंडे का भी बना सकते हैं, वैसे मैं इसमें हाफ़ करके इसको बना रही हूँ। तो ये लीजिए हमने इसके हाफ पीस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे एक पानी लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम यहाँ पे ब्रेड लेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से डिप कर देंगे। तो बस हथेलियों में हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर लेंगे और हाफ एग का पीस लेंगे और अच्छे से आलू से इसको चारों तरफ से इस तरह से हम कोट कर लेंगे। एग को पूरी तरह से कवर कर लेना है आलूओं से। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे और ये जो हमने ब्रेड पानी में डिप करी है उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे दोनों ब्रेड का हम। ये इस तरीके से ज़्यादा देर तक पानी में ब्रेड को डिप करके नहीं रखना है। तो ये लीजिए बस अब हमें क्या करना है, इन ब्रेड के बीच में हमें मिक्सचर रखना है और इस तरह से चारों तरफ से इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसका रोल बना लेना है, जैसे हम पोटैटो रोल बनाते हैं ना, बस ठीक वैसे ही। तो ये लीजिए हमारा एक रोल तैयार हो चुका है, बाकी को भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। टिक्कियों को हम तैयार कर लेंगे और इसके बीच में रखते हुए गोल गोल करके इस तरह से हम इसको पूरा कवर कर लेंगे और बाकी के भी हम रोल तैयार कर लेंगे। इसमें भी हम हाफ एग रखेंगे। जो एग लवर हैं वो ये वाले जो स्नैक्स है बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ये बहुत ही मज़े का बनता है और हम इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो जितना आप मार्केट में एक पीस लेते हैं, इतने तो आप घर में 4 पीस बना के खा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे बढ़िया से ये तैयार हो चुके हैं। इस तरह से हम एक एक करके अपने सारे रोल्स को तैयार कर लेंगे
और यहाँ पे हम बेसन लेंगे, एक बार इसको अच्छे से हम चला लेंगे और इसमें हम बेसन की कोटिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ हम गैस ऑन करके तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा उसको लो फ्लेम पे कर लेंगे और एक एक करके इस तरह से हम जो एग रोल है वो इसमें हम डाल देंगे। तो बस यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है उसको हमें यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखना है, बिल्कुल हाई पे नहीं रखना है। पहले हमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ही हम इसे लो कर लेंगे और बस नीचे की तरफ से सिक जाने के बाद इसको हम अच्छे से पलट लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, बहुत ही मज़े का ये बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। इसको आप चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ शायद खाइए, या चाय के साथ लीजिए, आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये। तो बस ये हम इस तरह से बाकी भी उतार लेंगे और चलिए सर्विंग की तरफ चलते हैं हम। तो ये लीजिए गर्मा गर्म हमारे एग पोटैटो रोल तैयार हो चुके हैं, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना देखने में, वाकई में खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैं ये आपको एक काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से भी पूरी तरह से किस तरह से ये सिक चुका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। और ये देखिए स्टफिंग भी कितनी लाजवाब लग रही है। तो आप इसको एक बार बना के ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, ट्राई करने के बाद पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।